चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष अग्रवाल आज फिजिक्स की क्लास में, 12th क्लास में आपका स्वागत करता हूँ विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता। आज इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। हम फर्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ चुके थे, अगर आपके याद आ रहा हो, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, और हम पढ़ चुके थे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये तीन टॉपिक बच्चों हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर कौन सा जाएगा बच्चों? आज हमारा 2 जाएगा, ठीक है। और आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना। ये टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे अगर आपके याद आ रहा हो, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पर हमने पढ़ा था निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव निकालना, अगर आपके याद आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला हेडिंग जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। ये टॉपिक बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि हम जो सिलेबस यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितनी बार ये बोर्ड के एग्जाम पूछा गया और किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल देखिए, तो अगर आपके बच्चों याद आ रहा हो इसमें वैद्युत द्विध्रुव, ये अगर आपको याद आ रहा हो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था कि हमारे पास ये एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। अगर आपके याद आ रहा हो, हमने बताया था कि अगर आपके पास में कोई ऐसा निकाय है कि मान लेते कि हमारे पास में कोई ऐसा निकाय है ये वाला, ठीक है, जिस पर यहाँ पर अगर मान के चले कि यहाँ पर माइनस का आवेश होगा, यहाँ पर प्लस का आवेश होगा, ठीक है। तो हमने बताया था वहां पर आपको कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक प्लस का दूसरा माइनस का हो, ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी है वो आपकी अति सूक्ष्म हो। तो अगर पॉइंट यहाँ पर ओ कंसिडर कर लेते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को एल मान लेंगे और यहां से यहां तक की दूरी को भी एल मान लेंगे। इसको पॉइंट ए कंसिडर कर लेंगे, इसको पॉइंट बी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो उसका मतलब यहां पर आपका जो द्विध्रुव जाएगा उसकी दिशा जो होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी, ठीक है। तो अब अभी हमें है ना, इसके वजह से, इसके कारण हमें निकालना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो अब इसके लिए बच्चों आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके जो मध्य बिंदु होता है स्मॉल ओ, यहां से आपको स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट कंसिडर करना होगा। हम यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट पी, ठीक है। इस बिंदु पर हमको निकालना है वैद्युत विभव निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है। तो आपको ये देखना होगा कि इस बिंदु की प्लस आवेश से दूरी कितनी होगी और माइनस वाले से आवेश से दूरी कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ पर देख लें, यहां से ये स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट है, तो आपको बिंदु बी से बताना है और बिंदु आपको ए से बताना है। तो बिंदु बी से अगर दूरी को देखते हैं तो दूरी चली जाएगी आपकी आर माइनस के एल, ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की तो आर थी, इसमें से वाला एल माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस वाले पे जाते हैं, अगर हम इस वाले पे जाते हैं, माइनस वाले आवेश से दूरी कितनी होगी, तो माइनस वाले आवेश से चली जाएगी दूरी इसकी आर प्लस के एल, इसमें एल आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर यहां तक का तो था ही, इसमें यहां से बिंदु ओ से और अगर ए तक की दूरी को देखें तो एल है, तो आर प्लस एल हो जाएगा आपका बिंदु ए से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्लस आवेश से दूरी इसकी जाएगी आर माइनस के एल और माइनस वाले से दूरी जाएगी इसकी आर प्लस एल जाएगी, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी होगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत विभव जो होता है वो एक अदिश राशि होती है और अदिश राशि में जो आवेश लिया जाएगा वो चिन्ह के साथ लिया जाएगा, जबकि तीव्रता में एक सदिश राशि, तीव्रता आपकी जो होती है सदिश राशि होती है, तो माइनस का रोल केवल दिशा बताने का होता है, वैल्यू प्लस में ही रखी जाती है, बस माइनस आपको दिशा बताता है कि वो किधर की तरफ उसकी दिशा होगी, लेकिन विभव में चिन्ह के साथ मान रखा जाएगा,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस का प्लस का जो आवेश रखा है बिंदु ए और बिंदु बी पर रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी अति सूक्ष्म है, जिसको हम यहाँ पर दिखाते हैं 12 होगी। तो हमने दिखा दे 12 को दो हिस्सों में तोड़ लिया, ए से ओ तक के लिए ए लिख लिया और ओ से बी तक के लिए भी ए लिख लिया। ठीक है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के होता है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति में निकालना है बच्चों, हम यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये जो अक्षीय स्थिति, सॉरी ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, दोनों बोर्ड के एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं लेकिन नाम आएगा एक ही। ठीक है, या तो अक्षीय शब्द लिखा मिलेगा आपको या अनुदैर्ध्य लिखा मिलेगा, तो मतलब एक ही होगा दोनों के लिए। तो अक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति में आपको करना क्या होगा बच्चों, जब आपको ये निकालना होगा तो उस केस में आपको इसके पॉइंट ओ से आपको बीचों बीच इसके आगे की तरफ जाना होगा अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं बच्चों क्या होगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना जाएगा, वी वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। के हमने यहां पर माध्यम के लिए इस्तेमाल किया है, चूंकि अभी हम समझा चुके हैं कि हमारे पास में ये जो निकाय रखा है कैसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के होगा, ये निर्वात के लिए कैपिटल के की वैल्यू वन होती है और किसी धातु के लिए इसका मान इनफाइनाइट होता है, बाकी सबके लिए इसकी वैल्यू वन से ज्यादा ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमने प्लस क्यू आवेश के लिए बात की है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आएगा और दूरी आपकी जाएगी यहां से लेके यहां तक की, ये वाली कितनी दूरी है वाली r माइनस के l। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर एक मान लेंगे, यहाँ पे दिशा नहीं होती, यहाँ पे केवल चिन्ह के साथ मान रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद अगर हम जाते हैं तो देखिए क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो उसमें माइनस का आवेश नहीं रखा जाएगा, सॉरी माइनस का आवेश ही रखा जाएगा, दिशा नहीं आती इसमें, तो V2 बराबर कितना चला जाएगा आपका, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस चली जाएगी आपकी R प्लस के L। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर दो मान लेंगे, बात क्लियर होगी, आप दोनों को आपको क्या करना होगा, यहां पे इस पॉइंट पे आप V1 निकाल चुके और V2 निकाल चुके, तो अगर आपको V निकालना है यहां पर केवल दो ही चार्ज होंगे, तो अगर किसी भी निकाय में आवेश दो हो या तीन हो या चार हो, तो जितने भी आवेश अगर आपके पास में होते हैं आप उस पॉइंट पे सभी आवेश निकाल लीजिए V और उस पॉइंट पर सभी को प्लस कर दीजिए। ठीक है, जो आपका सिंपल योग होता है प्लस माइनस वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हम यहां पर कह पाएंगे अतः बिंदु बिंदु P पर बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर एक इक्वेशन नंबर जो टू है हमारी आई थी, दोनों को यहां पर आपको प्लस करना होगा, तो V बराबर V1 प्लस के V2, दोनों साथ मान रखेंगे यहां पर, तो जब वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q अपॉन में R माइनस के L जाएगा, और यहां पर चूंकि चार माइनस का है तो इसलिए प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q अपॉन R प्लस के L जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप देख पाए तो इतना हिस्सा आपका ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ये वैल्यू सेम जा रही है। ठीक है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, इसलिए वैल्यू अलग होगी ये वाली, तो यहां से जब कॉमन ले लिया जाएगा तो देखिए क्या बचेगा आपका, यहां से जब वैल्यू कॉमन ली जाएगी आपकी क्या बचेगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के अंदर बच जाएगा आपका 1 अपॉन आर माइनस के एल,
माइनस वन अपॉन आर प्लस के एल बच जाएगा, ठीक है। यहां से इसका एलसीएम लिया जाएगा तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, एलसीएम जब लिया जाएगा यहाँ पे तो r माइनस के एल और ये जाएगा r प्लस के एल, ऊपर जाएगा आपका r प्लस के एल, ठीक है। ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, अब इस वाले में ये वाला कट जाएगा तो माइनस का बचेगा r माइनस के एल, ठीक है। अब यहां से ब्रैकेट खोला जाएगा, नीचे इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, देख लेते हैं आगे। देखिए क्या बचेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, यहां r प्लस एल माइनस r और माइनस माइनस प्लस l हो जाएगा, नीचे बन जाएगा फॉर्मूला r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर वाला, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर वाला, एक बार जोड़ देते हैं यहां पर और एक बार यहां पर घटा देते हैं, इस फॉर्मूले से हमने इस वाली को निकाल लिया। तो यहां से देखें ये वाला आर आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, एक और एक दो एल आ जाएंगे आपके यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू इंटू टू एल, क्यू ये वाला आ जाएगा और एक दो एल यहाँ पर आपका जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे वैद्युत विद्युत के लिए कि पी पर आपका होता है क्यू इंटू में टू एल, तो इसकी जगह यहाँ पर Q into 12 की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, P। P क्या है यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं आगे, तो 1 upon 4 pi epsilon naught capital K P upon R square minus K L square, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद अगर आगे देख लेते हैं तो हमने ये जो आपका L था आपका यहाँ पर, इसमें बताया जाता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें इसके बीच की जो दूरी होती है वो अति सूक्ष्म होती है, तो जब अति सूक्ष्म दूरी होती है तो जो यहाँ पर 12 लेके चलते हैं वो वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो 12 बहुत छोटी है तो ऑटोमेटिकली एल और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जब वैल्यू एक से छोटी होती है तो उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू और छोटी हो जाती है, बड़ी वैल्यू नहीं होती है स्क्वायर करने पर अगर वैल्यू आपकी एक से छोटी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर देखिए हम यहां दिखाएंगे कि चूंकि आपका जो L होगा वो छोटा होगा R से, इसीलिए L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा आपका R स्क्वायर से, और जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो उसको छोड़ा जा सकता है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसलिए L स्क्वायर को क्या काम कर लेंगे, नगण्य मान लेने पर, नगण्य का मतलब जीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तब देखिए क्या जाएगा, तब v बराबर आपका बच जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वैद्युत विभव का व्यंजक आ जाएगा, वैद्युत विभव आपका फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। और निर्वात के लिए कैपिटल k का मान 1, तब आपका जाएगा v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है आपके बच्चों, ठीक है। तो हम यहां पर एक कह सकते हैं ये हमारा डेरिवेशन था बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव निकालना, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया निर्वात के लिए, v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, ये एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बोर्ड के एग्जाम में कई बार डेरिवेशन पूछा गया है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल चांसेस के बहुत कम होते हैं, ये पूरा डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके डेरिवेशन पर फोकस पूरा रखेंगे, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, और अगर आपके कोई भी टॉपिक्स में या डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी समस्या आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, आपके कमेंट को पढ़ के हम उसका समाधान अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम अपना, बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक जाएगा, अब हमारा अगला टॉपिक जो जाएगा वो जाएगा अक्षय वाला तो हो चुका बच्चों, अब हमारा जाएगा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षय या अनुप्रस्थ स्थिति में
किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार बच्चों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला भी आपका। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपसे या तो निरक्षीय शब्द लिखा मिलेगा एग्जाम में आपको, या आपको अनुप्रस्थ लिखा मिलेगा, मतलब आपका एक ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, तो अभी आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या था, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में निकालना है, तो उसके लिए देखिए बच्चों डेरिवेशन कैसे, डायग्राम कैसे बनेगा इसका। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव वाला एक ऐसा निकाय है, ये वाला, जिसपे माइनस का एक आवेश होगा, जिस पर यहां पर प्लस का एक आवेश होगा। इसको बिंदु बी कंसिडर कर लेते हैं, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, और ये आपका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि मध्य बिंदु आपका ओ होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, वैसे तो माइनस से लेकर प्लस तक की जो दूरी होती है वो 12 होती है, लेकिन इसको मध्य बिंदु तक हम इसको आधी कर लेते हैं, यहां तक की आपकी डिस्टेंस एल हो जाएगी, और आगे भी आपकी वाली एल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इसकी कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए बच्चों आपको इसके लिए स्मॉल आर डिस्टेंस के पे ऊपर की तरफ जाना होगा। ठीक है, ऐसा मान के चल लेते हैं कि ये आपका स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट होगा, पॉइंट पी, इस पॉइंट पर आपको बी निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के लिए आपको माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश आपको दूरी देखनी होगी कितनी बन जाती है दूरी। ठीक है, तो दूरी चेक करने के लिए देख लेते हैं क्या बनती है दूरी आपकी। तो इस पॉइंट को इससे मिला दिया जाएगा और इस पॉइंट को भी इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस बनती है आपकी वो बन जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, और रियल डिस्टेंस आपकी कितनी बन जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, ये एक ऐसे माध्यम में, अगर हम माध्यम लेके चलते हैं तो यहां पर के इस्तेमाल करना होगा, अगर हम यहां पर बोल के चलते हैं कि निर्वात होगा तो फिर हमें के को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट फिलहाल अभी हम यहां पर के को लेके चलेंगे, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आपके पास में जो ये वाला वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के होगा। ठीक है, इसकी निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि बिंदु P की प्लस क्यू आवेश में माइनस क्यू आवेश दूरी कितनी बनती है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि चित्र से माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश की, सॉरी यहां पे देखेंगे बिंदु P की प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश से समान दूरी कितनी बन जाती है बच्चों आपके यहां पर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर होगी। ठीक है, तो उसके आगे चल लेते हैं, उसके आगे देखिए क्या होगा बच्चों। अब आपको निकालना है कि प्लस वाले आवेश से कितना विभव बनेगा और माइनस वाले आवेश से विभव कितना बनेगा। अतः
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ठीक है। तो देखिए क्या कितना बनेगा, वो बन जाएगा V1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, क्योंकि हमने माध्यम के लिए बोल दिया था कि माध्यम में स्थित होगा, अगर हमने अनिर्वात बोल के चलते हैं तो K की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी ठीक है। प्लस वाला आवेश के लिए जैसे बोला इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी आएगी आपके अंडर रूट ये वाली आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर एक मान लिया जाएगा ठीक है। चूंकि हमारा अगर आपके याद आ रहा हो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव निकालते हैं उसका फॉर्मूला जो हमारा निकल कर आया था, अगर आपके याद आ रहा हो तो हमने आया था वी बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यहाँ पर R आया था, स्क्वायर नहीं आया था, हमारा R आया था, इसलिए जब हम डिस्टेंस में R लेके चलते हैं तो स्क्वायर नहीं किया जाता, जो R होता है उसी को यहाँ पर रखा जाता है ठीक है। बात समझ में आ चुकी है आपके यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण अगर देखते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाती है आपकी V2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी जाएगी, डिस्टेंस सेम है R स्क्वायर प्लस K L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे से ठीक है। अगर आपको बिंदु P पर निकालना है कि कुल विभव कितना बनता है इस वाले पॉइंट पर तो आपको V1 और V2 दोनों को प्लस करना होगा, इक्वेशन नंबर वन जो आपकी वी वन के लिए, इक्वेशन नंबर जो टू है आपकी वो वी टू के लिए है। तो अगर आपको बिंदु पी पर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो को दोनों को जोड़ना होगा, प्लस करना होगा ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, अतः अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव विभव ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, दोनों को जोड़ना होगा, V1 प्लस V2 करना होगा। तो देखिए समीकरण नंबर एक में दो से जब वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा वाला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी जा रही है आपकी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर ठीक है। तो यहां से आप देख पाए समीकरण नंबर एक दो से दोनों वैल्यू सेम है आपकी, बस नेचर पॉजिटिव, प्लस का दूसरा माइनस का, इसलिए जब इसको जोड़ा जाएगा तो पूरा पूरा आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और वी आपका आ जाएगा जीरो। तो एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के एग्जाम में, अगर आपसे कोई पूछ ले बोर्ड के एग्जाम में कि वैद्युत विधुर की निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है तो आप बताएंगे कितना होता है, शून्य, जीरो होता है ठीक है। एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे। बाकी अगर डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन हमने पूरा कर दिया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अक्षय स्थिति सॉरी निरक्षय स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यूज की जीरो होती है। यहां तक बच्चों आपके बात समझ में आ चुकी होगी। इस टॉपिक में अगर कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे बच्चों ठीक है। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, आपको कॉपी किताब लेके बैठना है, जो आपको समझा जाता है उसको नोट करना है, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लेना हमसे ठीक है। बस आपने पढ़ाई पर फोकस रखें पूरा का पूरा। चलिए अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बहुत छोटा सा टॉपिक है सम विभव पृष्ठ ठीक है। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक जाएगा, हमारा अगला हेडिंग जो है आपका सम विभव पृष्ठ
इसके बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है? नाम से क्लियर हो जाता है इसके, सम विभव पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब इस सम विभव पृष्ठ की कुछ अपनी खूबियां होती हैं, वो क्या होती है चेक कीजिएगा। देखिए बच्चों, सम विभव पृष्ठ आपके समझ में आ गया, मतलब क्या हमारे कहने का कि एक ऐसा पृष्ठ हमारे पास में जिसके पास जितने पॉइंट यहां पर है, जितने पॉइंट यहां पर हमारे पास में है, ठीक है, सब पर विभव क्या होगा बच्चों, समान होगा, सब पर विभव की वैल्यू यहां पर हमारी समान होगी। ये जो पॉइंट हम लेके चलते हैं यहां पर, ये भी विभव आपका क्लियर समान होगा। अगर यहां पर देख के चलते हैं कि वी इसको पॉइंट कंसिडर कर ले, पॉइंट पी, ठीक है, सॉरी पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट ए पर जो विभव जाएगा, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट अगर आपके पास में जाता है ये वाला, तो इस पॉइंट पर अगर इसको पॉइंट बी लेके चलते हैं तो वी बी पर भी आपका वोल्ट जो विभव होगा वो 10 वोल्ट होगा, और इस पॉइंट को अगर सी कंसिडर कर लेते हैं तो वी सी पर भी आपका वोल्ट विभव जो होगा वो 10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, कितने सारे पॉइंट लेकिन सब पर जो विभव होगा आपका वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है क्या कहलाएगा बच्चों आपका, सम विभव प्रश्न। एक नंबर की डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आपसे बच्चों पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा, इस पे जो रिलेटिव क्वेश्चंस बन जाते हैं आपका, वो पूछ लेते हैं कि यदि यदि सम विभव पृष्ठ है तो हम यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि सम विभव पृष्ठ पर, यानी कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वह पृष्ठ जिस पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे होगा देखिए, अगर आपसे मान लो कि हम ये कह दें कि हमारे पास में एक सम विभव पृष्ठ है, ठीक है, हम यहां पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में दो पॉइंट है, पॉइंट यहां पर मान लेते हैं कि पॉइंट ए होगा, और इस पर विभव का मान, चूंकि हमने बोला ये कैसा पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ मतलब विभव का मान समान होगा, यानी कि इस पॉइंट पर अगर देखते हैं वी ए, इस पर वैल्यू मान लेते हैं कि 5 वोल्ट होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपके, और हमने एक पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लिया पॉइंट बी, चूंकि सम विभव पृष्ठ है इसलिए यहां पर भी विभव का मान कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास में एक चार्ज है क्यू बराबर 5 कूलाम, ठीक है, अब इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, ए से बी पर लेके जाया जाता है, तो बताओ कितना कार्य करना पड़ा हमें, हमें क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी आपको समझाया मैंने कि यदि आपके पास में कोई सम विभव पृष्ठ है तो उस पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो देखिए कैसे, हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद आ रहा हो फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने बताया था आपको, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या आया था, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू आया था। ठीक है, तो यहां से अगर डब्ल्यू को निकाला जाए, यानी कि कार्य निकाला जाए, तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू में वी ए माइनस के वी बी। आप देखिए कितना कूलाम का आवेश आप लेके जा रहे हैं, यहां से 5 कूलाम का आवेश, तो यहां पर 5 रखा जाएगा, वी ए की वैल्यू यहां पर देखे तो कितना जा रहा है, 5 वोल्ट, वी बी की वैल्यू अगर देखें यहां पर कितनी जाती है, 5 वोल्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है आपके, तब मुझे देख के बताइए कि ये माइनस का है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, और जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो देखिए 5 इंटू 0 तो कितना आ गया, 0 आ गया ना। ये तो बताया था भी आपको कि सम विभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात किया गया कार्य शून्य होता है। तो हम इसकी परिभाषा दो तरीके से दे सकते हैं, पहले क्या बनती है,
कि एक ऐसा प्रश्न या वह प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है ना। समविभव प्रश्न की परिभाषा क्या बन सकती है, पहली कि वह प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है क्या कहलाता है, समविभव प्रश्न कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको समझाया कि हर पॉइंट पर आपका 10 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, दूसरी परिभाषा यहां पर क्या बनती है कि यदि किसी पृष्ठ पर एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या क्या कार्य शून्य होता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका समविभव प्रश्न कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, होगी आपकी, कोई दिक्कत बच्चों आपको? चलिए, अगर ये बात आपके क्लियर है पूरी तरीके से तो आपको एक चीज में और देखनी है। अगला पेज ले लेते हैं, तो इसमें आपको देखना है कि यदि आपके पास में समविभव प्रश्न है तो और अगर आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पर बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कई बार कि दो समविभव प्रश्न एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटते, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि दो समविभव प्रश्न एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं हो सकती आपकी, इसलिए वो काटती नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास में जैसे ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास में ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, तो आपको पता है कि प्लस वाले से जो बल रेखा जाती है वो बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है ना, बाहर की तरफ निकलती है, तो देखिए बाहर की तरफ कैसे जा रही है वाली, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहां पर बल रेखाएं कौन सी होंगी, यहां पर आपका समविभव प्रश्न कौन सा वाला बनेगा, तो कैसे बताएंगे, तो देखिएगा अगर हम इसको एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो अब इस ब्लैक वाले सर्कल पर अगर हम देखते हैं तो इस ब्लैक वाले सर्कल की पॉइंट क्यू आवेश से डिस्टेंस जो होगी हर पॉइंट पे, चाहे पॉइंट आपका ये वाला हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इन सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से क्यू से सेम जाएगी और फॉर्मूला हमारा जो जाता है वो v बराबर 1/4πε0qr जाता है, तो यहाँ पे v प्रोपोर्शन हो जाता है 1/r के। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम है आपकी तो उसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्लस वाले q आवेश के कारण जो आपका विभव होगा वो हर पॉइंट पर समान होगा। ठीक है, जब ये समान होगा तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं सम विभव प्रश्न। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये लाइनें निकल रही इसलिए इसको कहा जाएगा वैद्युत वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण यहां पर हम समविभव प्रश्न की कल्पना कर सकते हैं और उस पर वैद्युत बल रेखाएं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बातें बच्चों आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल बच्चों हमारे पास ये बोर्ड के एग्जाम में है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, ये वाला ये काफी टाइम पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में और ये कम से कम या तो दो नंबर पूछा जाएगा या तीन में। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्वारा वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। देखिए कितने बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है, तो पीछे बच्चों भी हम इसको कर चुके हैं तो उसका आंसर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम इस तरीके से आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय, ये शब्द आप ध्यान देंगे, ये शब्द आपको ध्यान से देखना कि कौन सी स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, तो अगर आपके याद हो बच्चों हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे कि वैद्युत विभव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, तो हमारा आंसर कि देखो बच्चों क्या आया था, शून्य निकल कर आया था। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है ये पूरा का पूरा बच्चों आपको इसमें करना होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है,
यहाँ तक बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला सवाल देखिए बच्चों, देखिए ये वाला, कितनी बार बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष अक्ष कह दे या अनुदैर्ध्य स्थिति कह दे, ठीक है, पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है, ये 11 में है, 17 में है, 20 में है, या इसी को दोबारा बदल के दीजिए थोड़ा सा कि वैद्युत विध्रुव की परिभाषित कीजिए किसी वैद्युत विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ठीक है, कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, लगभग लगभग आप देखें तो ये आपका हर साल आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, या तो अक्षीय स्थिति वाला होगा या निरक्षीय स्थिति वाला होगा, दोनों स्थिति में आपको क्या निकालना है बच्चों, विभव निकालना है। तो उसके लिए अगर आपके याद आ रहा हो बच्चों, हमने सबसे पहला हेडिंग किया था इसमें, सबसे पहला हेडिंग हमने यहां पर किया था, अगर आपके याद आ रहा हो ये वाला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, यह ध्यान देंगे, ये हमने शब्द लिखा ना अक्षीय या अनुदैर्ध्य, ठीक है, स्थिति में वैद्युत विभव, तो पूरा डेरिवेशन आपको ऐसे ही करना है इसमें, और हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वी बराबर 1/4πε0P/R², ठीक है, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना होगा। ध्यान देंगे दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, मतलब यहाँ पर हमारा एक ही होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, चलिए बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में, आपके ये पूरे पूरे चांसेस बनते हैं इसके आने के, आया भी है बल्कि, कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर +1.5 माइक्रोकूलम, QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, क्रम से दो बिंदु आपको पॉइंट की स्थिति दे रखी है कि -2mm 0.0, बी पॉइंट पर आपको दे रखा है +2mm 0.0, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि ये स्थिति आपकी एक्स होती है, ये वाली स्थिति आपकी वाई होती है, ये वाली आपकी स्थिति जेड एक्सिस पर होती है, पर स्थित है तो इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा बतानी क्या होगी, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखिए कैसे किया जाएगा सॉल्व आपका क्वेश्चन वाला, आपको यहां पर प्लस क्यू आवेश दे रखा है, +1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसको जब चेंज किया जाएगा तो आपका जाएगा 1.5×10⁻⁶ कूलम, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है क्यू भी बराबर -1.5 माइक्रोकूलम, इसको चेंज किया जाएगा तो -1.5×10⁻⁶ कूलम आ जाएगा, ठीक है, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा आपको, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये वाला एक्सिस आपकी वाई हो जाएगी और ये वाली एक्सिस आपकी एक्स हो जाएगी, और एक्स भी कौन सी वाली, पॉजिटिव साइड वाली, और ये वाला आपका हिस्सा हो जाएगा, ये वाला एक्स का माइनस वाली साइड, ठीक है, और जो तीसरी एक्सिस हमारी बच्चों जाती है, तीसरी एक्सिस हमारी जाती है वाली जेड, तो हमारे पास में एक्स आ गया, हमारे पास में वाई आ गया, और हमारे पास में जेड एक्सिस आ गया, ठीक है, अगर हम यहां पर देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट हमारे जाएंगे, उसने क्या क्या दे रखे हैं, तो उसने आपको पॉइंट ए दिया है, ठीक है, तो पॉइंट एम ए यहां कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में पॉइंट ए ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू आपको एक्स की दे रखी है, माइनस वाला माइनस वाली साइड में, और बाकी आपकी वाई की वैल्यू जीरो दे रखी है, एक्स वैल्यू जीरो दे रखी है, सॉरी जेड की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो हमारा चला जाएगा यहाँ पे कि क्यू ए चार्ज होगा जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों आपके यहां पर 1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और पॉइंट की स्थिति यहां पर अगर हम देखते हैं तो वैल्यू बन जाती है आपकी -2mm 0.0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको यहां लेना पड़ेगा बी पॉइंट, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं प्लस के 2mm 0.0, तो यहाँ पे वैल्यू जो चाहेगी चार्ज की वो जाएगी QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, यहां तक बात आपके क्लियर हो गई होगी। चलिए अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो
तो इसका मतलब हमारे पास में ये एक ऐसा निकाय बन जाएगा, ये वाला, जो काम करेगा वैद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस अगर देख लेते हैं, यहां से टोटल डिस्टेंस अगर देख लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आपकी, टू ये और टू ये, क्योंकि पॉइंट आपका ये वाला ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की 2 मिलीमीटर और यहां से यहां तक की 2 मिलीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि 12 अगर देख लेते हैं, ये वाला एल बन जाएगा और ये वाला एल, तो 12 अगर देख लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 2 और 2 4, तो 4 मिलीमीटर बन जाएगा। इसको जब चेंज कर लेंगे तो आपका बन जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, बात समझ में आ चुकी आपके। अब यहां पर अगर आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण, ठीक है, परिमाण अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो कोई एक आवेश यहां से ले लेंगे 1.5 × 10⁻⁶, और 12 की वैल्यू वहां पर हमारी कितनी गई, 4 × 10⁻³। ठीक है, तो देखिएगा यहां से उसकी जब 4 की गुना करेंगे 1.5 में, तो कितना जाएगा, 15 × 4 = 60 यानी कि 6 आ जाएगा। 6 × 10⁻⁶ कितना जाएगा, 6 और 3 9। ठीक है, तो वैल्यू कितनी चली जाएगी आपकी, 9 यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम मीटर। तो ये इसका परिमाण आ चुका है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो दिशा के लिए आपको बता रखा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो हमारा यहाँ पर देखा जाएगा ऋणावेश कहाँ जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऋणावेश हमारे पास में यहाँ पर प्लस वाली साइड में जा रहा है, और इसलिए इसकी जो डायरेक्शन जाएगी वो डायरेक्शन आपकी कहां चली जाएगी, डायरेक्शन चली जाएगी आपके बच्चों यहां पर, हम यहां पर कह सकते हैं कि धनावेश से ऋणावेश की ओर चली जा रही है। ठीक है, ये बात आपके समझ आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, आई थिंक ये बात आपके क्लियर हो गई होगी कि अगर हम यहाँ पे दिशा के बारे में बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे, आज के लिए हमारा काम इतना ही काफी रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हैप्पी लर्निंग, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई ध्यान से कीजिएगा। धन्यवाद।